हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का। इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के सिलेबस को। कक्षा 10 में अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 4.2 चौथी प्रश्नावली 4.2, जहाँ पे हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। और हल करने की विधि जो आएगी बेटा वो आएगी आपकी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। हालांकि ये गुणनखंड विधि आपके 8वीं क्लास में भी आई थी, 9वीं आपने पढ़ी नहीं, वरना 9वीं में भी आपकी आती। फिलहाल आपके 8वीं क्लास में आई थी, शायद आपको याद हो तो 5वीं या 6ठी प्रश्नावली थी, वहाँ पे हमने पढ़ा था गुणनखंड विधि से बीजीय व्यंजकों को हल करना। ठीक है, तो चलते हैं 4.2 के पहले सवाल पर और देखते हैं कि ये गुणनखंड विधि काम कैसे करेगी। ध्यान से समझना, सिर्फ एक दो सवाल ढंग से समझ लोगे तो आराम से विधि समझ में आ जाएगी। पहला सवाल है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10। पहले का पहला दे रखा है आपको एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। और सवाल ऊपर कह रहा है दिए गए द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। द्विघात समीकरण है क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो द्विघात है और इसे आपको हल करना है किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो बेटा जब हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें पद कितने हैं भैया आपके पास, 3 पद है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पद का तीसरे पद से गुणा करेंगे, पहले पद का तीसरे पद से गुणा करेंगे। तो पहला पद कितना है, एक्स स्क्वेयर है, निशान साथ में लेना है, प्लस का है तो प्लस, और तीसरा पद कितना है, माइनस का 10 है तो माइनस का 10, निशान साथ में लिया, गुणा करूँगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 का एक्स स्क्वेयर से गुणा किया 10 एक्स स्क्वेयर हो गया। पहले और तीसरे का गुणा आपको किस में मिल गया, माइनस में, इसका काम इतना हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है, ऐसी दो संख्याएं आपके दिमाग में सोचनी है जिनको घटाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे निशान किसका है, माइनस का। अगर यहाँ पे निशान माइनस का है तो उन दोनों संख्याओं को आपको घटाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर निशान प्लस का आता तो हम ऐसी दो संख्याएँ लेते जिन्हें जोड़ते। अगला बात समझो, ये निशान बताता है कि जो संख्याएं आप लोगे उन्हें जोड़ना पड़ेगा या उनको घटाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर माइनस है तो मतलब उन संख्याओं को घटाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे प्लस आता तो उन संख्याओं को हम क्या करते, जोड़ते। ठीक है, हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिन्हें घटाएं, घटाएं तब तो कितना बचे, जितना मध्य पद है, मध्य पद कितना है, 3, तो घटाने पर तो 3 बचे, और गुणा करने पर गुणा जितना आया है 10 आया, तो 10 आए। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनको घटाऊं तब तो 3 बचे और गुणा करूं तब 10 आए। बताओ कोई दो संख्या जिनको घटाएं तो 3 बचना चाहिए और गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए। 5 2 10 और 5 में से 2 गए 3, यही तो चाहिए। घटाने पर 3 चाहिए और गुणा करने पर 10 चाहिए, तो वो दोनों संख्याएं आपको मिल गई 5 और 3। ये टुकड़े करने थोड़े आने चाहिए बेटा, प्रैक्टिस कर लोगे तो टुकड़े आराम से आएंगे। सॉरी, 5 और 2 घटाऊंगा तब तो 3 बच रहा है मध्य पद जितना, और गुणा करने पर जितना गुणनफल है उतना आ रहा है। अब वो दोनों संख्याएं तो आपको मिल गई 5 और 2। बात करें इनके निशानों की, निशान भी इनमें आएंगे बेटा। तो याद रखो, अगर पहले और तीसरे का गुणा माइनस में आता है, पहले और तीसरे का गुणा माइनस में आता है, तो जो दो संख्याएँ हमने ली है, जो दो संख्याएँ हमने ली है उनमें बड़ी संख्या जो होगी, 5 बड़ा है, बड़ी संख्या जो होगी वो होगी मध्य पद के निशान की। अगर पहले और तीसरे का गुणा माइनस में आए ना, तभी होता है ये नियम। पहले और तीसरे का गुणा अगर माइनस में आता है तो जो दो संख्या हमने ली है उनमें बड़ी संख्या होगी वो होगी मध्य पद के निशान की। मध्य पद अब किसका है, मध्य पद उधर, इसको मत देखो, मध्य पद वो उधर है, माइनस का है, तो बड़ी संख्या मध्य पद के निशान की होगी, 5 तो होंगे माइनस के, और आगे वाली जो संख्या होगी वो होगी उल्टे निशान की। अगर पहले और तीसरे का गुणा माइनस में आता है ना बेटा, तो जो दो संख्याएं आप लेते हो उन दोनों के उल्टे निशान होते हैं। उल्टे कैसे, बड़ी संख्या मध्य पद के निशान की और आगे वाली संख्या उससे उल्टे निशान की, तो माइनस का 5 हो गया और 2 किसका हो गया, प्लस का। अब इसमें चर राशि क्या बैठी थी, एक्स बैठी थी, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों संख्याएं यहाँ से उठा करके जो आपका मध्य पद है उसकी जगह लिखेंगे, यानी मध्य पद को आप यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह ये लिख देंगे। दोनों का मतलब तो वही हुआ, 5 में से 2 गए 3x बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के बचेंगे, तो इसकी जगह हम ये दोनों संख्याएँ बिठाएंगे वहाँ पर। ये लोग अब ये बिठाई क्यों, इसका क्या कारण है, पता है किसी को कि जी इसके साथ इतनी माथापोड़ी क्यों गई हमने। इसका रीज़न था बेटा कि ऊपर इसने कितने पद दे रखे थे, 3 थे, 3 पदों में कोई एक साथ कॉमन नहीं आ रहा था। अब हमने क्या किया, 3 से कितने पद बना लिए, 4, बीच वाले पद को तोड़ दिया। अब इसलिए इसको गुणनखंड बोलते हैं क्योंकि हमने बीच वाले के टुकड़े कर दिए, या इसको अगर हम CBSE की बात करें तो CBSE में इसको स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं।
सप्लिट कर देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं मिडिल टर्म को, है ना। तो अब हमने तीन से चार पद बना लिए, चार पद बनाने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, शुरू के दो पदों से और बाद के दो पदों से हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। अब शुरू के दो पदों से अगर मैं आपसे पूछूं क्या कॉमन आ रहा है, तो बताओ ज़रा, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा, एक्स, और आगे बचा माइनस का पाँच। और लास्ट के दो पदों से अगर मैं आपसे कॉमन पूछूं तो क्या कॉमन आ रहा है, दो कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, एक्स प्लस माइनस माइनस दो पाँच या दस पाँच बराबर है ज़ीरो। एक्स माइनस पाँच, एक्स माइनस पाँच। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे पद कितने हैं, अब इसमें पद कितने हैं, अब इसमें पद कितने हैं, और बताओ, तीन, और बताओ, पदों का पता कैसे लगता है, प्लस माइनस के निशान से, तो आप प्लस माइनस के निशान काउंट कर रहे हो। बट यहाँ पे एक चीज़ और भी आई है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का क्या काम होता है बेटा, मेरी सुनो, ये कोई सड़क है, इसके पास एक घर यहाँ पे है जिसका गेट ये रहा, एक घर यहाँ पे जिसका गेट ये रहा, और एक घर यहाँ पे जिसका गेट ये रहा। अब कोई व्यक्ति इस रोड से गुजर रहा है और उससे पूछे कि यहाँ पे घर कितने हैं, तो वो कितने बोलेगा, तीन बोलेगा। सीधी सी बात, जिसको ये नहीं पता कि ये क्या है, तो वो तो ये बोलेगा तीन घर है। अब हमने क्या किए, अब हमने उस घर के चारों तरफ एक चार दीवारी कर दी और उसका एक मेन गेट कर दिया। अब उसी व्यक्ति को कुछ दिनों बाद वहाँ से वापस गुजारा और उससे पूछा यहाँ पे घर कितने हैं, तो वो कितने बोलेगा, एक बोलेगा। घर तो तीन के तीन है, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया चारों तरफ से। अब ब्रैकेट जो है वो वही काम करता है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो आप यहाँ पे कितने पद बोलते, दो पद बोलते। अभी प्लस माइनस के निशान से पद बनता है, तो एक ये रहा और एक ये रहा, इतने में दो पद बोलते। लेकिन हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक पूरा पद बन गया। ब्रैकेट के अंदर कितने भी प्लस माइनस के निशान हो, पद एक ही बोला जाएगा जब तक ब्रैकेट लगाए। जैसे मान लो ये रहा 4x² - 3x + 6, आपसे पूछे कितने पद है, आप बोलोगे तीन है, एक दो तीन निशान है, तो तीन पद है। और अब आपसे पूछे कितने पद है, तो एक पद है, ठीक है। ब्रैकेट का काम क्या होता है, जितने भी पद है उनको संयोजित करके, उनको इकट्ठा करके एक पदों में कन्वर्ट कर देता है वो, ठीक है। अब एक पद यहाँ पे हो गया और एक ये रहा, तो कितने पद हो गए, सारे दो पद हो गए। दोनों पदों से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस पाँच, दोनों से कॉमन आ रहा है, तो ये लीजिए एक्स माइनस पाँच, दोनों से कॉमन ले लिया। यहाँ से एक्स माइनस पाँच बार गया, क्या बचा, एक्स बचा, और यहाँ पे प्लस दो, तो एक्स प्लस दो बराबर है ज़ीरो, ठीक है। तो एक्स माइनस पाँच और एक्स प्लस दो बराबर ज़ीरो। अब इनकी तुलना करेंगे, पहली बार मैं एक्स माइनस पाँच को बराबर कर रहा हूँ ज़ीरो के, तो एक्स बराबर क्या हो गया, अभी माइनस पाँच है, इधर आएगा तो प्लस का पाँच। और दूसरी बार एक्स प्लस दो को मैं बराबर कर रहा हूँ ज़ीरो के, तो प्लस का दो है, इधर आएगा तो माइनस का दो। तो एक्स के दो मान आपको मिल गए, माइनस का दो और ए प्लस का पाँच। ये है गुणनखंड विधि, ठीक है। यानी थोड़ा सा इसको जब आप तोड़ते हो ना बीच वाले पद को, उस पे ध्यान कर लो बेटा। अगर वो आपने ढंग से कर दिया तो सवाल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका आगे वाला सवाल, 2x² + x - 6, ऐसा ही ये है। दूसरा जो सवाल है वो है 2x² + x - 6 = 0। वही काम करना है, पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करना है। पहला पद कितना है, 2x² किसका, प्लस का। तीसरा पद जो है वो है माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस 6 दुआ हो गए 12, और साथ में है x². पहले और तीसरे का गुणा किस में आया, माइनस में। मतलब ऐसी दो संख्याएं सोचेंगे जिन्हें जोड़ूँ या घटाऊँ, माइनस आया तो घटाना पड़ेगा। वो निशान ये बताएगा कि संख्याएं जोड़नी पड़ेंगी या घटानी पड़ेंगी। अगर यहाँ पे माइनस है तो बेटा उनको घटाना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस आता तो उनको जोड़ना पड़ता। अब माइनस आया तो मतलब उनको घटाना है, घटाने पर तो कितना है, जितना मध्य पद है। अब मध्य पद में कितना है बेटा, संख्या कितनी है, एक है, तो घटाने पर तो एक आए, और गुणा करने पर कितना आए, 12 है, तो गुणा करने पर 12 है। सोचो ऐसी दो संख्या जिनको घटाऊँ तो एक बचे, गुणा करूँ तो 12 आए, 4 × 3 = 12, 4 और 3 घटाने पर एक बच रहा है, गुणा करने पर 12 आ रहा है। अब बात करेंगे इनके निशानों की, तो पहले और तीसरे का गुणा माइनस में आए ना, तो जो दो संख्याएं आपने ली है उनमें बड़ी संख्या मध्य पद के निशान की, बड़ी संख्या 4 है तो मध्य पद प्लस का है तो प्लस की, और आगे वाली उल्टे निशान की यानी माइनस की। चर राशि x बैठी थी, तो यहाँ पे भी हम क्या बिठा देंगे, x बिठा देंगे। अब मध्य पद को यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह ये दोनों संख्याएं लिख देंगे, 2x² + 4x और -3x, माइनस में पड़ा है 6 = 0।
ठीक है। अब फिर चार पद बन गए, तो ढूंढो शुरू के दो पदों से कॉमन क्या मिल रहा है, दो और एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये लीजिए दो और एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो दो और एक्स बार गया तो यहाँ पे बचा अकेला एक्स, प्लस यहाँ पे दो का भाग दूंगा तो दो बार जाएगा, माइनस यहाँ पे कॉमन देखे तो तीन कॉमन आ रहे तो यहाँ पे एक्स बचा, माइनस माइनस प्लस छः में तीन का भाग दिया दो बार गया बराबर है ज़ीरो, ठीक है। अब कितने पद हैं यहाँ पे, दो पद है, दोनों पदों से क्या कॉमन आ रहा है एक्स प्लस दो। अगर बेटा आपके ये ब्रैकेट में जो संख्याएं आई है वो एक जैसी आई है तब तो आपने ऊपर काम सही किया है, लेकिन अगर ब्रैकेट वाली संख्या एक जैसी नहीं मिली मतलब आपने ऊपर टुकड़े गलत कर दिए, ध्यान रखेंगे ये बात। एक्स प्लस दो दोनों से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, और यहाँ पे माइनस तीन बराबर है ज़ीरो। एक बार एक्स प्लस दो को बराबर करूँगा मैं ज़ीरो के, तो एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस दो, प्लस का है इधर आएगा माइनस का दो, और एक बार दो एक्स माइनस तीन को बराबर किया ज़ीरो के, तो दो एक्स बराबर माइनस तीन है इधर आएगा प्लस का तीन, और दो गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, तो तीन बटा दो, तो एक्स के फिर दो मान आ गए माइनस का दो और तीन बटा दो, ठीक है। चल आगे वाले सवाल की बात करते हैं, इसके तीसरे सवाल की। आसान सी है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लो टुकड़े करने आने चाहिए, और वो प्रैक्टिस करोगे तो आने लग जाएंगे बेटा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे, प्रैक्टिस जितनी होगी उतने ही सवाल आपको आएंगे। और ये सवाल ऐसे नहीं कि हुए नहीं है, अगर आपने दूसरी प्रश्नावली कर रखी है बहुपद तो 2.1 में भी आपने ये विधि काम में ली है, वहाँ पर भी ये विधि आई थी। देखिए इसका तीसरा सवाल क्या दे रखा है, अंडररूट 2x स्क्वायर, इसमें कन्फ्यूज सा है थोड़ा सा, मिसप्रिंट है, आपके वाली किताब में पूरा है, बोलना तीसरा, एक मिनट, अंडररूट 2x स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 5 अंडररूट 2 बराबर 0, इस सवाल में ये मिसप्रिंट है, सही करना पड़ेगा। ये फिर दे रखा है और आपसे फिर कह रहा है गुणनखंड कीजिए, तो वही काम आपका, हम क्या करेंगे पहले पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करेंगे निशानों के साथ, ठीक है। तो पहला पद जो था वो था अंडररूट 2x स्क्वायर प्लस का, और तीसरा जो था वो था 5 अंडररूट 2, गुणा कर रहा हूँ प्लस का प्लस से गुणा किया, प्लस 5 एकम 5, भाई अब गुणा करते समय याद रखना है अंडररूट के बाहर वाली संख्या का अंडररूट के बाहर वाली संख्या से गुणा होता है, अंदर वाली का अंदर वाली से गुणा होता है, ठीक है। तो 5 का 1 से गुणा किया 5, और अंडररूट 2 का अंडररूट 2 से गुणा किया, तो अंडररूट का मतलब क्या होता है, अंडररूट 2 का हम अंडररूट 2 से गुणा कर रहे हैं, और अंडररूट का मतलब होता है बेटा कोई भी संख्या की आधी घात, तो ये 2 की आधी घात है और ये भी 2 की आधी घात है, आधी घात का आधी घात से गुणा किया तो कितनी हो गई, 1 घात, मतलब 2 बन गया, यानी अंडररूट 2 का अंडररूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और साथ में पड़ा है एक्स स्क्वायर, कितना हो गया 2 × 5 = 10 एक्स स्क्वायर, ये आपको गुणा मिल गया, ठीक है। अब पहले और तीसरे का गुणा किस में आया, प्लस में आया, अब की बार पहले और तीसरे का गुणा प्लस में आया है, मतलब हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको प्लस करें तो जोड़ना पड़ेगा अब की बार, क्योंकि यहाँ पे निशान प्लस का है, प्लस करें तब तो कितना आए 7 आए, और गुणा करने पर 10 आए, ऐसी दो संख्या है 5 और 2, जिनको जोड़ूं तब तो 7 आए मध्य पद जितना, और गुणा करने पर 10 आए। अब पहले और तीसरे का गुणा प्लस में आया है, बेटा इससे पहले वाले सवालों में किस में आया था, माइनस में, तो जो दो संख्याएं ले रहे थे उनमें बड़ी संख्या मध्य पद की निशान की और आगे वाली संख्या उल्टे की ले रहे थे, लेकिन जब पहले और तीसरे का गुणा प्लस में आ जाए ना, तो जो दो संख्याएं हम ले रहे हैं उन दोनों संख्याओं का निशान वही होगा जो मध्य पद का है, उसमें उल्टे नहीं लिए जाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो उल्टे निशान नहीं आएंगे, यहाँ पे माइनस आने पर ही उल्टे निशान आएंगे, तो दोनों का निशान वही होगा जो मध्य पद का होगा, मध्य पद किसका है प्लस का, तो दोनों किसकी होंगी प्लस की होंगी, चर राशि क्या लगेगी एक्स लगेगी। अब ये मान बिठा दो मध्य पद की जगह, तो अंडररूट 2x स्क्वायर प्लस 7 था तो 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडररूट 2 बराबर है 0। शुरू के दो पदों से कॉमन देखें तो क्या मिल रहा है, एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा अंडररूट 2 और एक्स, और प्लस यहाँ पे बचा 5, प्लस लास्ट के दो पदों से कॉमन देखें तो क्या आता है, 2 कॉमन आ जाता है, इसमें तो 2 है और इसमें अंडररूट 2 है, अभी मैंने आपको बताया अंडररूट 2 का मतलब क्या होता है
आदि घात होता है, यानी इस दो को अगर मैं सोचूं बेटा कि अंडरूट दो गुणा अंडरूट दो लिखूं तो कैसा रहेगा भाई, अंडरूट दो का अंडरूट दो से गुणा करें कितना आएगा, दो ही तो आएगा भाई, आधी घात और आधी घात एक घात तो मिलेगी। अब देखो यहाँ पे अंडरूट दो, यहाँ पे दो बार है और यहाँ पे अंडरूट दो एक बार है, तो अंडरूट दो इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर अंडरूट दो दो बार था, एक बार बाहर चला गया तो एक बार बचा और साथ में क्या बचा, एक्स बचा, प्लस यहाँ से अंडरूट दो बार गया तो यहाँ पे क्या बचा, पाँच बराबर है किसके, जीरो के। अंडरूट दो एक्स प्लस पाँच और अंडरूट दो एक्स प्लस पाँच दोनों से क्या मिल रहा है आपको, कॉमन मिल रहा है। तो ये लीजिए अंडरूट दो एक्स प्लस पाँच दोनों से कॉमन ले लिया तो बाकी क्या रह गया यहाँ पे, एक्स, और यहाँ पे रह गया प्लस का अंडरूट दो बराबर है जीरो के। एक बार इसे जीरो के बराबर करेंगे और एक बार इसे जीरो के बराबर करेंगे। पहले मैं कर रहा हूँ अंडरूट दो एक्स प्लस पाँच को बराबर जीरो के, प्लस का पाँच है इधर आएगा तो माइनस का पाँच हो जाएगा, तो अंडरूट दो एक्स बराबर माइनस का पाँच, और अंडरूट दो गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, तो एक्स बराबर माइनस पाँच बटा अंडरूट दो, एक मान तो ये आ गया। दूसरी बार एक्स प्लस अंडरूट दो को हम बराबर करेंगे जीरो के तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस का अंडरूट दो, तो एक्स के दो मान फिर आ गए, माइनस पाँच बटा अंडरूट दो और माइनस का अंडरूट दो। ठीक है, आगे आता है इसका चौथा सवाल। सवाल सारे ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान करना है आपको। दो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और प्लस एक बटा आठ बराबर है जीरो, ये दे रखा है। अब की बार इसमें बटा में संख्या दे दी, कोई बात नहीं, पहले लघुतम लेके इसे सही कर लो। इसके बटा एक है, इसके बटा एक है, तो तीनों का लघुतम लिया कितना आ गया, आठ। आठ में एक का भाग दूंगा, आठ बार जाएगा, आठ का दो से गुणा किया सोलह एक्स स्क्वेयर माइनस आठ में एक का भाग आठ बार, आठ का एक्स से गुणा किया आठ एक्स, प्लस आठ में आठ का भाग एक बार, एक का एक से गुणा किया एक बराबर है किसके, जीरो के। ये आठ भाग में है इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो क्या बचा, सोलह एक्स स्क्वेयर माइनस का आठ एक्स प्लस का एक बराबर आठ जीरो, जीरो हो गया। अब वही सामान्य द्विघात समीकरण बन गया आपका, पहले का और तीसरे का गुणा करूँगा तो पहला है सोलह एक्स स्क्वेयर प्लस में और तीसरा जो है वो प्लस का एक, प्लस का प्लस से गुणा किया प्लस, सोलह एकम सोलह और साथ में है एक्स स्क्वेयर। पहले और तीसरे का गुणा किस में आ रहा है, प्लस में आ रहे। ऐसी दो संख्याएं लो जिनको जोड़े, क्योंकि प्लस आया है, जोड़े तब तो कितना आए, आठ, और गुणा करने पर सोलह, तो वो संख्याएं क्या मिल गई, चार और चार। निशानों की बात करें तो पहले और तीसरे का गुणा किस में आया, प्लस में, तो दोनों का निशान वही होगा जो मध्य पद का होगा, मध्य पद प्लस का है, सॉरी माइनस का है मध्य पद, तो दोनों किसकी होंगी, माइनस की। चर राशि क्या लगेगी, एक्स एक्स बिठा दो मध्य पद की जगह, सोलह एक्स स्क्वेयर माइनस चार एक्स माइनस चार एक्स प्लस एक बराबर जीरो। शुरू के दो पदों से कॉमन देखें क्या आ रहा है, चार का भाग दोनों में जा रहा है, तो चार और एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा, चार एक्स बचा, माइनस चार एक्स बार गया तो क्या बचा, एक बचा। लास्ट के दो पदों से कॉमन देखें तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, और जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ से एक कॉमन आता है, तो माइनस बार गया एक बार गया तो यहाँ पर क्या बचा, चार एक्स बचा। आप कहीं ये मत बोलना एक बार गया तो तीन बच गया जी, बार कॉमन जाने का मतलब होता है बेटा भाग देना, सोलह में चार बार लिया तो सोलह में चार का भाग गया, चार बार गया तो चार में चार का भाग गया, अब एक का भाग दूंगा तो चार एक्स ही आएगा, और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस एक एकम एक बराबर है जीरो। ब्रैकेट वाली संख्याएँ सेम है, मतलब हमने ऊपर काम सही किया है, चार एक्स माइनस एक फिर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, क्या बचा, चार एक्स माइनस एक बराबर जीरो। पहली बार चार एक्स माइनस एक बराबर जीरो करेंगे तो चार एक्स बराबर क्या मिला, माइनस एक है इधर आएगा प्लस का एक, और चार गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, तो एक्स का मान आ गया एक बटा चार। इसी हिसाब से चार एक्स माइनस एक को फिर बराबर करेंगे जीरो के तो चार एक्स बराबर एक और एक्स बराबर एक बटा चार, तो दोनों मान एक बटा चार और एक बटा चार। ठीक है, उतारने की जरूरत है रे। आगे देखो बेटा इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण एक दे रखा है और उसमें जो समस्याएं दे रखी है उनको हल कीजिए। तो देखिए उदाहरण एक क्या दे रखा है और क्या समस्याएं दे रखी है, उदाहरण किताब में उदाहरण है, उसकी समस्याओं की बात कर रही है। स-
समस्या है, मतलब हिंदी भाषा में कोई कथन दे रखे हैं बेटा, पहले उनके समीकरण बनाने पड़ेंगे और फिर उनको हल करना पड़ेगा इस विधि से, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ यही विधि सीखी है, गुणनखंड विधि, तो इसी का उपयोग करके हमें उनको हल करना है। देखिए उदाहरण एक की समस्याओं की बात करें तो उदाहरण एक में इसने समस्याएं दी है, दो समस्याएं। पहली समस्या क्या कह रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, कोई दो बच्चे हैं, एक जॉन है और एक जीवंती है, दोनों के पास मिलाकर कह रहा है 45 कंचे हैं। यदि दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं, पांच जॉन खो गया, पांच जीवंती खो गई, तो उसके उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है वो 124 हो जाता है। भाई जॉन और जीवंती दोनों पांच पांच कंचे खो दे तो दोनों की संख्याएं अब जो बची है उनका गुणा जो है वो 124 बनता है। तो हम जानना चाहते हैं कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, जॉन के पास कितने थे और जीवंती के पास कितने थे, हमें दोनों का ही नहीं पता, लेकिन हमें ये इतना पता है कि दोनों को मिला करके कितने हैं उनके पास, 45 है। हम दोनों को मान के चलेंगे। देखिए हमने मान लिया, माना जॉन के पास कंचे कितने, एक्स कंचे मान लिए हमने, और दूसरी है जीवंती, तो जीवंती के पास कंचे अब वाई मानेंगे, मुझे पता था, बट बेटा ये द्विघात समीकरण है, चर राशि सिर्फ एक ही आएगी, दो नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसने एक बात बोली थी कि दोनों को मिलाकर के कितने हैं, 45 है। जॉन और जीवंती दोनों को अगर मिलाएं तो दोनों के पास कंचे जो हैं वो 45 है। अब जॉन को हमने एक्स मान रखा है बेटा, तो जीवंती कितने बचेगी, प्लस के एक्स है इधर आएगा, तो 45 माइनस एक्स, यानी जीवंती के पास कंचे कितने आ जाएंगे, 45 माइनस एक्स आ जाएंगे। आगे बात समझ में, तो जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर के कितने कंचे हैं, 45 है। जॉन वाले हमने एक्स मान लिए तो प्लस का एक्स इधर आया तो माइनस का एक्स हो गया, तो जीवंती के पास कंचे कितने हो गए, 45 माइनस एक्स, तो जीवंती के पास कंचे 45 माइनस एक्स हो गए। आई बात समझ में, ये कैसे निकाला भाई, टोटल में से जॉन वाले घटा दो, जीवंती वाले आ जाएंगे। अब प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे, पर्सन क्या बोला, पर्सन ये बोला यदि दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं, जो पांच जोन के कम हो जाए और पांच जीवंती के कम हो जाए, तो जोन के पास कितने थे, एक्स थे, पांच अगर खो दिए तो कितने रह गए, जीवंती के पास कितने थे, 45 माइनस एक्स, अगर वो भी पांच खो दे तो कितने बचेंगे, 45 माइनस एक्स माइनस पाँच, 45 में से पाँच गए 40 और माइनस एक्स पड़े। आगे बात समझ में, तो जॉन अगर खो दे पांच कंचे तो x माइनस पाँच बचेंगे, और जीवंती अगर खो दे तो 40 माइनस x बचेंगे। अब दोनों के कंचों का जो गुणनफल है वो बता रहा है 124 है। समझ में आई हमने ये बात कैसे लिखी, कह रहा था जॉन अगर पांच कंचे खो दे तो x माइनस पाँच, जीवंती पांच खो दे तो माइनस पाँच फिर हो गए। अब 45 माइनस x पहले थे, माइनस पाँच और करेंगे तो 45 में से पाँच गए 40 माइनस x, अब दोनों का गुणा जो है वो 124 है। सरल कर लो, समीकरण बन जाएगा, 40 का x से गुणा किया 40x, माइनस x का x से गुणा किया एक्स सुखे, माइनस 5 का 40 से गुणा किया 200, माइनस माइनस प्लस 5 का x से गुणा किया 5x, प्लस के 124 उधर गए, माइनस के 124 बराबर आ गया 0। सरल कर रहा हूँ, माइनस का x सुखे पढ़ाई था, ये लो 5x प्लस के 40x प्लस के, 40 और 5 है 45x हो गए, ये माइनस के 200 है और माइनस के 124 है, तो माइनस के कितने हो गए भाई, 324 बराबर है 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। अब इसको हल करना है तो वही काम, गुणनखंड विधि काम में लेनी है, तो पहले और तीसरे का गुणा करेंगे और फिर हल करेंगे। तो चलते हैं फिर पहले और तीसरे के गुणा की तरफ। पहला पद जो है वो कितना है, माइनस का एक्स सुके, तीसरा जो है वो है माइनस का 324, माइनस माइनस प्लस हो गया, 324 का एक्स स्क्वायर से गुणा किया, 324 एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसी दो संख्याएं लो जिनको जोड़ें तो कितना आए, 45 आए, और गुणा करें तो 324 आए। जोड़ें तो 45 आए, अब जोड़ने पर तो 45 किसके आएंगे भाई, 40 और 5 के आएंगे। गुणा करें तो कितना आता है, गुणा करने पर तो सिर्फ 200 ही आता है, जबकि हमें तो कितना चाहिए, 324 ज़्यादा चाहिए, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं 39 ले लूं और 6 ले लूं, तो 39 और 6 का जोड़ने पर कितना आएगा,
45 आएगा, 39 और 6 45 होते हैं, गुणा देखो जरा 324 आ रहा है क्या, 6 9 54 अंशिल 5, 6 3 18, 18 और 5 23, 234 ही आया, नहीं आया कोई बात नहीं, अंदर ही है ठीक है, 234 हो गए नहीं आया कोई बात नहीं, 38 और 7 ले लो, 38 और 7 45 होते हैं, गुणा करें तो 7 8 56 अंशिल 5, 7 3 21, 21 और 5 26, 266 नहीं आया, हमें तो 324 चाहिए था, कोई बात नहीं और आगे चलो, 37 और 8 ले लो, 37 और 8 लें तो 8 7 56 अंशिल 5, 24, 24 और 5 29, 296 नहीं आया कोई बात नहीं, आगे चलो 36 और 9 ले लो, जोड़ें तो 45 आ रहे हैं, गुणा करें तो 6 9 54 अंशिल 5, 9 3 27, 27 और 5 32 आ गया, जोड़ने पर 45 आ रहा है, गुणा करने पर 324 आ रहा है ठीक है, मैं बताने के तो ये सीधा ही बता सकता था लेकिन मैंने बताया बेटा प्रोसेस क्या हुआ, हमने ये देखा शुरू में दो संख्याएं ली, हमने ये देखा गुणा कम आ रहा है, अब गुणा कम आ रहा है तो एक में कम करता गया और एक में बढ़ाता गया, ऊपर वाले में कम करता गया नीचे वाले में बढ़ाता गया, हमें अपना उत्तर मिल गया, वो दो संख्याएं आपको मिल गई 36 और 9, जोड़ने पर तो 45 आ रहा है, गुणा करने पर 324 आ रहा है, अब बात करें इनकी निशानों की तो बेटा दोनों का निशान क्या होगा, अलग अलग होगा या सेम होगा, गुणनफल प्लस में आया है सेम होगा, सेम प्लस में आया तो सेम होगा और सेम होगा मध्य पद का, मध्य पद प्लस का है तो दोनों किसके होंगे प्लस के, चर राशि क्या लग जाएगी एक्स लग जाएगी, इसकी जगह बिठा देते माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस का 36x प्लस का 9x माइनस का 324 बराबर है जीरो, शुरू के दो पदों से कॉमन माइनस भी है साथ में, पहले माइनस भी ले लिया और एक्स भी ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा x बचा, माइनस बाहर है तो ये प्लस है माइनस प्लस माइनस और क्या बचा 36 बचा, प्लस दोनों पदों से 9 कॉमन आ जाएगा शायद 9 आ जाएगा, 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x माइनस 9 तिया 27 5 बच गए 9 6 54 बराबर है 0, x माइनस 36 दोनों से कॉमन आ रहा है तो x माइनस 36 दोनों से कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस का 9 बराबर है 0, तुलना करूंगा एक बार x माइनस 36 को बराबर करेंगे 0 के, तो ये लीजिए पहले कर रहा हूँ मैं x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया भाई प्लस के 36, और एक बार करूंगा मैं माइनस x प्लस 9 को बराबर 0 के तो बेटा माइनस x बराबर क्या हुआ माइनस के 9, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर क्या बचा 9, अब दो मान आ गए x के और दोनों ही पॉजिटिव है प्लस के, भाई x क्या मान कर चले थे जोन के पास कंचे, तो जोन के पास कंचे 36 भी हो सकते हैं और 9 भी हो सकते हैं, अब अगर 36 और 9 हो सकते हैं तो देखो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे जोन के पास कंचे, पास कंचे कितने 36 या 9, या तो उसके पास 36 होंगे या फिर 9 होंगे, अगर जोन के पास इतने तो जीवंती के पास कितने होंगे भाई, देखो अगर जोन के पास 36 कंचे हैं तब तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस 36 यानि 9, या अगर जोन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस 9 यानि 36, इस हिसाब से होंगे एक के पास 36 है और एक के पास 9 है, अब जोन के पास अगर 36 है तो जीवंती के पास 9 है और जीवंती के पास अगर 9 है तो जोन के पास 36 है ये तो हो गया पहला, आगे इसी की दूसरी की समस्या इसने और दे रखी है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, अब कुटीर उद्योग क्या होता है बेटा छोटे उद्योग है ना, घरेलू उद्योग भी बोल सकते हो जैसे खिलौने बनाने वाला या फिर घड़े या बर्तन बनाने वाला, ये कुटीर उद्योग की ही कैटेगरी में आते हैं, एक कोई कुटीर उद्योग की बात बता रहा है और जो क्या कर रहा है खिलौने बना रहा है, एक कुटीर उद्योग है जो खिलौने बनाता है, किसी एक दिन खिलौनों का निर्माण करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है एक खिलौने का मूल्य जो है किस प्रकार से बताता है इसने, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, यदि एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी तो हमें बताएं कि उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या कितनी थी, अब सवाल थोड़ा सा इसने घुमा दिया, क्या बोला कि एक कुटीर उद्योग बर्तन खिलौने बनाता है कोई बात नहीं बनाए हमें क्या इतराज़ है, बट आगे इतराज़ कर दिया, एक खिलौने का जो मूल्य है वो इसने कैसे बताया, एक खिलौने का मूल्य 55 में से
55 में से उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। भाई मान लो एक दिन में जो खिलौने हैं वो 30 बनाता है, एक दिन में 30 खिलौने बनाता है, तो एक खिलौने का मूल्य कैसे निकालोगे? 55 में से जो खिलौने बने हैं वो घटा दो, कितने बच गए भाई? 25 रुपये बच गए। तो एक खिलौने का मूल्य वो 25 रुपये लेता है ना। हमें नहीं पता कि खिलौने बनाए कितने थे, वो तो हमें ज्ञात करने हैं, तो जो चीज़ ज्ञात करनी होती है वो हम मान के चलेंगे। उदाहरण नंबर तीसरे का दूसरा भाग ले रहे हैं हम। हमने माना बनाए गए खिलौनों की संख्या, वो हमने मान ली x, कि जो खिलौने बनाए थे वो x खिलौने थे। अब इसने बोला कि खिलौनों की संख्या आपके पास आ गई, तो एक खिलौने का मूल्य भी तो आपके पास आ जाएगा। एक खिलौने का मूल्य कैसे निकालोगे भाई? इसने बोला एक खिलौने का मूल्य जो है वो 55 में से उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। तो 55 में से कितना घटाऊंगा? x घटाऊंगा। तो ये क्या आ गया? एक खिलौने का मूल्य आ गया। और उसने बोला है कि एक दिन की जो लागत है वो कितनी है भाई? एक दिन का जो खर्चा आया वो कितना आया? 750 रुपये आया, ये भी दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है खिलौने कितने बनाए गए थे वो बताइए। तो बेटा अब मेरी सुनो, एक दिन में खिलौने बने इतने, और एक खिलौने का मूल्य जो है वह इतना, और कुल खर्चा जो है वो इतना है। तो मैं ये कहूँ कि कुल लागत अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपसे ये कहा कि 5 रुपये का एक पेन आता है, और मैंने पेन के लिए मैंने 50 रुपये खर्च कर दिए, तो बताओ मैंने पेन कितने खरीदे? आप बोलोगे 10 पेन खरीदे, है नहीं? मैंने खर्च कितने किए? 50 रुपये। और आपको मैंने बोला कि मुझे पेनों की संख्या ज्ञात करनी है, जबकि एक पेन का मूल्य जो था वो 5 था। तो आपने क्या बोला? पेन के मूल्य को पेनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? टोटल खर्चा आएगा। अब वही काम यहाँ पे है, खिलौनों की संख्या को एक खिलौने के मूल्य से गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा? टोटल खर्चा आएगा, यानी कुल लागत आएगी। यही काम कर रहा हूँ मैं। खिलौनों की संख्या थी x, एक खिलौने का मूल्य था 55 माइनस x, दोनों का गुणा करूँगा तो आएगी कुल लागत, और कुल लागत कितनी थी? 750 रुपये। तो 750 सरल कर लो, समीकरण बन जाएगा। 55 का x से गुणा किया 55x, माइनस x का x से गुणा किया x स्क्वायर, प्लस के 750 थे उधर गए, माइनस के 750 बराबर आ गया 0। द्विघात समीकरण थोड़ा सही लिख लो घातों को सही क्रम में, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 55x और माइनस का 750 बराबर है 0। वही काम पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करेंगे, तो पहले पद का और तीसरे का बताओ ज़रा मेरे को, प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि पहला पद जो है वो माइनस का है बेटा, और तीसरा पद जो है वो भी माइनस का है। तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा कर रहा हूँ माइनस के 750 से, तो माइनस माइनस प्लस, 750 का एक्स स्क्वायर से गुणा किया 750 एक्स स्क्वायर, पहले और तीसरे का गुणा आ गया प्लस में। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़ें तो कितना आए? 55, और गुणा करने पर आए 750। जोड़ने पर 55 और गुणा करने पर 750, 30 और 25 55 आ रहा है, और गुणा करूँ तो 25 × 3 = 75 750 भी आ रहे हैं। तो वो दोनों संख्या क्या मिल गई? 30 और 25। दोनों का निशान क्या होगा? वही जो मध्यपद का है, मध्यपद प्लस, तो दोनों प्लस के आएंगे। बिठा देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 30x प्लस का ही 25x और माइनस का 750 बराबर है 0। शुरू के दो पदों से कॉमन देखें तो माइनस और एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? x माइनस प्लस, माइनस x बार चला गया तो क्या बचा? 30 प्लस, लास्ट के दो पदों से कॉमन 25 कॉमन आ रहा है, तो x बचा प्लस माइनस माइनस, 25 × 3 = 75 और 1 = 0, 30 बराबर 0। दोनों पदों से आप देखें कॉमन तो क्या मिल जाएगा? x माइनस 30 कॉमन मिल रहा है, बिठा दो x माइनस 30 को कॉमन ले करके, x माइनस 30 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा बाकी? उधर माइनस एक्स और इधर प्लस का 25 बराबर है 0। एक बार x माइनस 30 को बराबर करेंगे 0 के, तो x बराबर क्या आ गया? प्लस का 30। और एक बार माइनस एक्स प्लस 25 को बराबर करेंगे 0 के, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 25, माइनस या माइनस कट गया तो x बराबर 25। x क्या मानकर चले थे? खिलौनों की संख्या। तो हम लिखेंगे खिलौनों की संख्या
कितनी होगी, या तो 25 होगी या फिर 30 होगी। या तो उस दिन 25 खिलौने बने थे या फिर उस दिन 30 खिलौने बने थे, इन दोनों में से एक ही था। ठीक है, ये था आपका दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल जो है इसी का, वो देखिए क्या कह रहे हैं, नीचे दी गई समस्याओं के समीकरण बनाइए और समीकरण बना करके उनको हल करना है। पहले समीकरण आपको बनाने हैं और उसके बाद हल करने हैं। ये चार सवाल जो है वो हम कल की क्लास में कर लेंगे, आज की क्लास यहीं रोकेंगे बेटा, प्रैक्टिस करोगे, रफ कॉपी चेक लेके नहीं आते तीन चार, तो मानू बो लेके आया क्या बैग बाग तेरी, सीधा ही आ जाता है। ये किसकी है, तेरी है, पक्की बात है, चलो ठीक है, बाकी की क्लास करेंगे हम कल की क्लास में, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को शुभ डे।